देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का कहर साथ बढ़ता जा रहा है। देश में बिगड़े हालात पर आखिर कैसे काबू पाया जाएगा, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के नेशनल प्लान पर सुनवाई। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3,23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 2,700 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 2,48,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण वे रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती थी। महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 524 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया, जबकि 71,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 20,201 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 308 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में 80,000 के करीब एक्टिव केस पहुंचे। 24 घंटे में करीब 11,000 से ज्यादा नए बीमारों की पुष्टि हुई है। 75 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब है। हरियाणा के पूर्व मंत्री राव धर्मपाल का कोरोना से निधन हो गया। राव धर्मपाल का मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बीजेपी नेता रामफल लॉर्ड का कोरोना से निधन हो गया। जिंद के नागरिक अस्पताल में रामफल लॉर्ड का इलाज चल रहा था। बीजेपी नेता रामफल लॉर्ड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य भी थे। सीएम मनोहर लाल पानीपत रिफाइनरी पहुंचे, जहां सीएम ने कोविड मरीजों के लिए 500 बेड के अस्पताल की जगह का निरीक्षण किया। सीएम मनोहर लाल ने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से अपील की है। कि विज ने कहा कि सरकार प्रदेश में जरूरत की जगहों पर अस्पताल बनाना चाहती है। चेतावनी के बावजूद ऑक्सीजन की जमाखोरी में जुटे लोग। बल्लभगढ़ के सेक्टर 25 में ऑक्सीजन के लिए लगी लोगों की कतार। डॉक्टर और मरीज के परिजन भी लाइन में लगे। करनाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सांसद संजय भाटिया ने कोरोना के हालात को लेकर मीटिंग की। बैठक में कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी भी शामिल हुए। फरीदाबाद की जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने जिले में 3 क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन में नोटिफाई किया गया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक हफ्ते के लिए 26 अप्रैल से 2 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जोन में 1 में ईएसआई सेक्टर 7 के साथ साथ सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर के कवरेज क्षेत्र आने वाले सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 और 15 ए क्षेत्र शामिल हैं। करनाल में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है, जहां पर अनावश्यक रूप से एक साथ 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 में कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन लगा दिया गया है। सिरसा के प्राइवेट बसों में कोविड 19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कोविड को देखते हुए बसों में निर्धारित सीटों से ज्यादा सवारियां बैठी थी। पुलिस ने बसों के संचालक को चेतावनी दी। कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में अब लोगों की भीड़ नहीं लगेगी। मार्केट कमेटी ने मंडी खुलने के समय में बदलाव किया है। साथ ही मंडी में अब लोगों को रिटेल में सब्जी नहीं मिलेगी। चरखी दादरी में प्रशासन कोरोना से लड़ने के पुख्ता दावे करता है, लेकिन जिले में एकमात्र नागरिक अस्पताल में जहां डॉक्टर्स की भारी कमी है, वहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ तक नहीं है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सिरसा में कोविड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। केंद्रों से बीच बचा स्टॉक मंगवा लिया गया था। वैक्सीन न होने के चलते एक बार टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है। जिंद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने जुलाना के वार्ड नंबर 5 से एक दुकान से ऑक्सीजन के 8 भरे हुए सिलेंडर जब्त किए। जिंद से आई एक तस्वीर कोरोना काल में डॉक्टर्स के जज्बे को दिखाने वाली है, जिसे देखकर आप भी इस जज्बे को सलाम करें।
कालका से विधायक प्रदीप चौधरी ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता को कोर्ट ऑर्डर की कॉपी सौंप दी है। कॉपी सौंपने के बाद प्रदीप चौधरी ने कहा कि उनसे कॉपी मांगी गई थी, जिसके बाद वो स्पीकर से मिले। प्रदेश में बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं है, खुलेआम बदमाश फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं और पुलिस केवल जल्द गिरफ्तारी का दावा करती है। ताजा मामला सामने आया असंध के, जहां पर मीनाक्षी अस्पताल के पास एक लैब संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। हनुमान जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, उनके जीवन और आदर्शों से हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। हनुमान जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।